धन गुरु नानक 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 अपने गिरीवान में
काले लिख नाले जाइए।
ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ
दरवेश गुण ही परिया मैं फिरा
अगर सबको कल का टॉपिक याद हो तो कल एक विशेष टॉपिक लिया गया था जिसमें दो घटनाएं ऐसी विचित्र आई थी जिसमें उस जवान लड़के और उस पठान अब्दुल गफार खान कुछ दिनों की भक्ति से इनके मन की मैल उतर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर आकर रुकने और विचार करने की बात है। बहुत ही अनमोल टॉपिक है जो आज का दास लेने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता था कि वो पठान पूरा जीवन पापों से भरा हुआ था, उस लड़के के मन में भी पाप था, काम वासना थी, पर कुछ ही दिनों की भक्ति से, 4 दिनों की भक्ति, 13 दिनों की, 11 दिनों की भक्ति से माने साफ हो गया, मैल उतर गई। हमें कई साल हो गए हैं, ये पॉइंट कोई छोटा नहीं। यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मन की मैल नहीं उतर रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने इसके बारे में बहुत विचार किया और आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुँचा जो महापुरुष वचन किया करते थे, मानो इतने दिनों से हम नाम की महिमा सुनते आ रहे हैं, नाम जपने नाम जपने नाम जपने, कोई नाम जपता भी हो, गुरुसाहिब जी अमृत लोटने की सेवा भी लेते हो, नितनेम भी हो, सब कुछ हो, फिर भी मन की मैल नहीं उतर रही है, तो कौन सी गलती हो रही है?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से विचार करने वाली बात है साथ में। दुकान पर एक दिन ग्राहक ना आए, चिंता हो जाती कि क्या होगा। बच्चा फेल हो जाए, एक साल बर्बाद हो जाए, चिंता हो जाती है। यहाँ पर हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है, चिंता होना ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है, सब कुछ करते हुए भी मन की मैल नहीं उतर रही, तो कहीं तो कोई भूल हो रही है ना, वो भी बहुत बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवाई देता है। दवाई देने के बाद एक बात अक्सर कहता है कि परहेज जरूर करना, सर्दी है ठंडा मत खाना, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अमृत वेला है नाम, नित्य नेम है नाम, हम दवाई खा रहे हैं नाम की, पर यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दवाई हम सब खा रहे हैं, गुरु नानक पाशा हमें दवाई दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, गुरु की कृपा है उनकी, डॉक्टर दवाई दे रहा है। जो नहीं खा रहे उनकी बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। जो दवाई खा रहे हैं पर गलती कहाँ कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। और आज जो शब्द दास ने लिया है, जो भगत फरीद जी का, गुरु साहब जी हमें समझाना चाहते हैं आज कि ये परहेज जब तक तू नहीं करेगा, सब कुछ किया कराया गवा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परहेजों में, कई परहेजों में से सबसे ज़रूरी दो परहेज हैं, सबसे ज़रूरी। और आज उन दो परहेजों में से एक की दास बात करने जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है साथ संगत। फरीदा, जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। अगर तू अपने आप को अकल वाला समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, समझदार समझता है, तो काले लेख मत लिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका भाव, हर इंसान हर समय कुछ ना कुछ लिख रहा है साथ संगत, इस बात को समझ लेना। हम चाहे कुछ करें या ना करें, अगर हम सो भी रहे हैं तो लिखा जा रहा है कि हम सो रहे हैं, बैठे हैं तो लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त एक एक चीज लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर इंसान हर सेकंड कुछ ना कुछ लिख रहा है, अगर गलत सोच रहा है तो गलत लिखा जा रहा है, सही सोच रहा है तो सही लिखा जा रहा है। हर इंसान लिख रहा है हर सेकंड। फरीद जी कहते हैं, अगर तुझे इतनी समझ है, समझदार कहलाता है अपने आप को, तो ऐसे लेख मत लिख जिसकी वजह से आखिर में तुझे पछताना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा, जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। काले लिख क्या है यहाँ पर? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जहाँ पर फरीद जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक्चुअली एक पंक्ति के कई अर्थ हैं, पर जो सबसे मेन अर्थ है यहाँ पर, काले लिख ना लेख। आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है दूसरों के अवगुण को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरों के अवगुण को देखना, ये हमारे लिए बड़ी ही कॉमन बात है, इसमें हमें कोई हैरानी ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये काले लेख हैं, गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, सारे महापुरुषों के वचन हैं ये। दूसरों के अवगुण देखने से वो अवगुण तुझ में आने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवगुण की तरफ हम उसकी बात करेंगे कि फलाने में ये अवगुण है, एक दिन आएगा वो अवगुण तुझ में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काली लिख ना लेख। दूसरों के अवगुण मत देख, देखने हैं तो अपने अवगुण देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, अपने भीतर झांक। दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी पीठ नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
और ये इतना बड़ा अवगुण गिना गया है, आगे पूरी घटनाएं पूरा विस्तार से इस पर विचार होगी कि कितना बड़ा अवगुण है ये और ये क्या करता है, सारे करे कराए पर पानी फेर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है सत्संग जी, गुरु नानक मेहर करे हमसे सेवा ले रहे हैं अमृत वेले की नाम जपने की। अगर इन अवगुणों से हम बच गए, ज्ञान मिल गया आज हासिल कर लिया और अपने जीवन में से ढाल लिया हमने, तो फिर जो बात पठान की बनी वो बात हमारी भी बन सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100% बन सकती है। हमारी प्रॉब्लम ये हम परहेज नहीं करते, उल्टा नाम जपने के बाद तो अहंकार से भर जाते हैं कि हम दूसरों से ऊपर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए गुरु तेग बहादुर साहब जी इसके बारे में समझाते हैं, बड़ी डिटेल में समझाते हैं। पहले बेस से शुरू करेंगे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कह रहे हैं कि हमारी ये आदत पड़ती कहाँ से है, इसका सोल्यूशन क्या है और ये करती क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कहते हैं। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले काले लिख ना लेख काले लिख ना लेख काले लिख ना लेख काले लिख ना लेख श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। करणो हो तो सो ना कियो करणो हो तो सो ना कियो परयो लोभ के फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंध अब क्यों रोवत अंध। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नौवें गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, करणो हो तो सो ना कियो। सिंपल है, जो करना था वो किया नहीं। करणो हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन लालच में डूबा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेस से दा शुरुआत कर रहे हैं, बेस हमारी बुराइयों का बेस क्या है गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं। सारी बुराइयों की जो जड़ है श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं वो लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप लोगों को याद होगा 2-3 साल पहले टॉपिक लिया था लोभ के ऊपर, मेरा डिटेल टॉपिक था कि लोभ करता क्या है, लोभ पैदा कैसे होता है और लोभ का अंत कैसे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
करणो हो हु तो सो ना कियो, परियो लोभ कै फंद। जो करना था वो किया नहीं क्योंकि लोभ के बस में मन आ गया, मन लोभ में फंस गया। लोभ, इस पॉइंट को याद रखना। नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंध। वो समा तेरे हाथ से चला गया, अब तेरे रोने का कोई फायदा नहीं, पश्चाताप करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक समय रम रहे हो भाव, पूरा जीवन तूने बिता दिया गलत काम करते हुए लोभ के चक्कर में। अब आखिर में बुढ़ेपे में रो रहा है, अब क्या फायदा, अब जवानी तो आएगी नहीं ना बचपन आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से विचारना इस वाणी को, बड़े ध्यान से। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, तेरे सारे पापों की जड़ है लोभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ के चक्कर में फंस के जो करना था वो नहीं किया, लोभ के चक्कर में जो करना था वो नहीं किया। अब समय निकल गया, अब रो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। जवाब में गुरु तेग बहादुर साहब जी ही समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहन मीत, नानक मूरत चितर जो छाड़त नाहन पीत। नानक मूरत चितर जो छाड़त नाहन पीत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे, मन माया में रम रहे हो। ये मन माया के साथ रम गया है, मिक्स हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस प्रकार से मिल गया है कि अब अलग नहीं हो पा रहा। निकसत नाहिन मीत, उदाहरण दिया कैसे मिक्स हो गया है। नानक मूरत चितर जो छाड़त नाहिन पीत। एक दीवार है, उसके ऊपर पेंटिंग टंगी हुई है। उस पेंटिंग को तो हम अलग कर सकते हैं, उतार दी पेंटिंग, पर अगर दीवार पर ही चित्र उकरा गया हो उसे कैसे अलग करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्वीर दीवार पर टंगी हो वो अलग की जा सकती है, पर तस्वीर दीवार पर ही बनी हो तो कैसे अलग हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं, नानक मूरत चितर ज्यो छाड़त नाहिन पीत। पीत कहते हैं दीवार को। अब वो चितर दीवार को छोड़ नहीं रहा, इसी प्रकार हमारा मन माया में इस प्रकार से डूब चुका है कि अब उसे छोड़ नहीं रहा। लालच का लोभ का कारण ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना साथियों, सब पापों की जड़ लोभ, लोभ की जड़ मोह। माया यहाँ पर मोह को कहा है, मोह। उसकी बात हर बार होती, मोह। महापुरुष समझाया करते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये जो लोभ बीच का है ना, काम क्रोध पहले, लोभ बीच में आता है, मोह अहंकार बाद में आता है। इसने अपने आपको बीच में रख के चारों को पकड़ रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ ने इन चारों की सपोर्ट ले रखी है और इन चारों को सपोर्ट दे भी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोह, लोभ कब पैदा होता है इंसान में, जब उसके अंदर मोह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे पाव दूजा लाया। ये माया क्या करती है, प्रभु को बुलाती है, मोह पैदा करती है, फिर भाव दूजा लगाया, फिर लोभ पैदा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ कारण मोह,
मोह क्या कराता है? दास ने पहले भी कहा, कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मोह कहता है कि मैं सब कुछ दूं, और गुरुमुख कहते हैं गुरु सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब मोह पैदा हो जाता है, जितने भी आप इतिहास पढ़ेंगे डाकू से ऋषि बने, जो मोह के चक्कर में लोगों के गर्दनें काट रहे, पूछा गया, गौतम बुद्ध जी ने पूछ लिया, क्या बात है, इसका लेखा तो तुम्हें देना पड़ेगा, कर तुम अपने घर वालों के लिए रहे। गया घर में, सबको इस कथा पता है, वो कहने लगे नहीं, अगर इसका लेखा देना पड़ेगा तो घर वाले मेरे साथ लेखा देंगे ना, क्योंकि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वो कहने लगे मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछ के आ जा, मैं नहीं जाता, मैं भागता नहीं। घर चला गया, पहली बार ऐसी हर उसके साथ घटना वापरी, घर चला गया। घर वाले से कहता है कि मैं इतने लोगों का कत्ल कर रहा हूँ, जब मेरा लेखा होगा तो साथ में होगी ना। वो कहने लगी आपका फर्ज है हमें खिलाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे हमें पालना पोसना तुम्हारा फर्ज है, जो तुम करोगे तुम्हें लेखा देना है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। पिता ने, माता ने, घरवाली ने, बच्चों ने, सब ने यही जवाब दिया, तो हाथ से करवत छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन पलटी खा गया, किस लिए हो रहा था पाप? लोभ के लालच में इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा किस लिए करूं? मोह, घर वालों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप एक बात नोट करो, पॉइंट नोट करो, बाबा नानसिंह जी के वचन याद आते हैं यहाँ। बाबा नानसिंह जी कहते थे कोई विरला होगा जो सच्चा होगा, कलयुग में कोई सच्चे विरले होते हैं जो माया से ऊपर उठे हुए होते हैं, धन पदार्थों से, पर ऐसे लोगों को आगे लगा के सारी दुनिया उन्हें बेचकर खाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चेहरा एक आगे रख देती है जिसकी शादी नहीं हुई, हुई शादी नहीं हुई तो उसको मोह नहीं है, वो नहीं तो वो धन इकट्ठा नहीं करेगा, लालच नहीं होगा, उसका चेहरा आगे कर दिया, पीछे सारे चोर बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई मिसालें हैं, देश का प्रधानमंत्री ले लो, किसी को भी ले लो आप, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें लोग आगे कर देते हैं, चाहे कोई संत हो, पीछे सब गलत काम होते हैं, आगे एक नेक चेहरा रख दिया जाता है, भाई ये इकट्ठा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि लोभ का कारण मोह है, जब कोई है ही नहीं पालने वाला वो इकट्ठा करके करेगा क्या? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ना बड़ी गहराई से एक बात महापुरुष समझाया करते थे कि जब ये कहा गया ना आप नरे गिरवान में सिर निवा कर देख, इसका केवल एक पहलू नहीं कि अपने अवगुणों को देख, यहाँ पर एक और बहुत गहरी विचार है, आइए उसे समझने के लिए दो पंक्तियां पढ़ लें। पहले काले लिखना लेख, 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 काले लिखना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक तो हो गया आपने गिरवान में सिर निवा कर देख, कि दूसरों के अवगुण मत देख अपने देख, और दूसरा महापुरुष समझाया करते इसके गहरे अर्थ, कहते थे दूसरों के पदार्थों की तरफ मत झांक, दूसरों के पदार्थों की तरफ मत झांक, मत देख के दूसरों के पास कितना है, अगर अपने से ऊपर वाले को देखेगा उसके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, तेरा मन में लालच पैदा होगी, लोभ पैदा होगा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अपने पास जो तेरे अंदर है, जो तुझे दिया है खुदा ने, उसे देखकर शुक्राना कर, शुक्राना तुझे लालच से लोभ से बचा कर रखेगा, शुक्राना वो ढाल है जो लोभ के वार को रोक देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, बाबा नानसिंह जी के वचन आ गए ना, फिर
अगर दुनिया में सुखी रहना है तो अपने से नीचे वाले को देखो, परमार्थ में सुखी रहना है तो अपने से आगे वाले को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखा कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है, मन में लालच पैदा हो जाएगा। और अगर गुरुमुख है, वृत्ति भीतर ले गया कि मुझे गुरु ने कितना कुछ दिया है, वो कुछ दिया है जिसके लिए दूसरे तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन शुक्राने से भर जाएगा अगर नियामतें गिनने बैठ गए जो हमारे पास हैं, शुक्राने से भर जाएगा। दास ने पहले भी कहा था, किसी भी पागल खाने में चले जाओ, किसी भी अंधे बच्चों के स्कूल में चले जाओ, ऐसी ऐसी जगह पर चल जाओ, हॉस्पिटल में चक्कर मारो, मन शुक्राने से भर जाता है। शुक्र है पाशाह, तूने आरोग्य देही बख्शी है, दिमाग सही बख्शा है। एक एक नस हिल जाए पागल खाने में उठा के डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शुक्राने से भर जाता है आदमी। जब लंगर बांटने जाता है और देखता है कि एक डोने के लिए लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, कैसे न शुक्राने से भरेगा। हमारी मूर्खता यहाँ पर है कि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं अपने से ऊपर कि उसके पास इतना है। फरीद जी कह रहे हैं, अगर तू दूसरों को देखेगा तेरे मन में लोभ पैदा हो जाएगा, फिर तेरे लेख काले हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने गिरवान में सिर निवा कर देख, तू अपने देख कि गुरु ने तुझे कितनी नियामतें दी हैं। शुक्राना कर, शुक्राना वो ढाल है जो लोभ के वार को रोक देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लोभ को जन्म ही नहीं लेने देती, शुक्राना वो अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी जो इंसान दुखी है ना, समझ लेना उसके अंदर लोभ पैदा हो गया है। ये 100% श्योर है, 101%। हम अपने मन में ही झांके, जिस जब जब दुखी होते हैं दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके पास है मेरे पास नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मेरे पास भी होना चाहिए, लोभ जाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत फरीद जी यहाँ पर बड़ी प्यारी पंक्तियाँ कहती हैं, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, सर्वन कीजिए। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, परीता से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदाल, रुखे सुखी खाए क्या ठंडा पानी पियो। भगत फरीद जी कह रहे, रुखे सुखी खाए क्या ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। इस पंक्तियों का भाव यही है, लोग इसके कई अर्थ निकालते हैं पर असल भाव यही है कि दूसरे की थाली में मत झांक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरे के थाली में झांकने वाला हमेशा दुखी ही रहता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, दूसरे के पास क्या है वो देखकर अपने मन को मत तरसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तेरे पास है, कम भी है, शुक्राना करके उसी में राजी रहे, उसी में राजी रहे तो सुखी रह सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि सारे पापों के जड़ लोभ, लोभ कराता क्या है, दूसरे की बुराई। जब दूसरे के पास ज्यादा हो और हमारे पास कम, और जब हम उसे पा नहीं पाते फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये टेंडेंसी है, ह्यूमन मेंटेलिटी है,
कोई गुण में हमसे आगे हो, अब वो आगे है, गुरु ने उसे आगे किया है, हमारे में उतना गुण नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और देख देख के रोते रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर शुक्राना करे, पाशा तूने मुझे इतना दिया, शुक्र है तेरा, मैं तो इसे लायक भी नहीं, तो उसते चौगुण करे निहाल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोभ से बच जाएंगे, काले लेख से बच जाएंगे, दूसरे की थाली, महापुरुषों के वचन है सत्संग जी, ज्ञान है लेना है तो ले लो। एक बड़ी अनमोल बात कहने जा रहे हैं दास, बहुत अनमोल बात कहते थे महापुरुष, साथ में खाओ पर एक थाली में कभी मत खाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना दास जो कहने जा रहे हैं, ज्ञान है लेना चाहो तो ले लो, भोजन साथ में खाओ, थाली साथ में ना हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, इसका गहरा भाव समझ लेना कि हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाई रखो, हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाई रखो, रिश्ते टूटते वहां पर हैं जब थाली साथ में हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसको वैसे कोई कोई समझ पाएगा दास जो कहना चाहता है। अब ये हॉल बना हुआ है समझो, कहीं पर भी पिलर्स हैं, उसके पिलर्स दूर दूर होते हैं, अगर पिलर्स नज़दीक बना दिए जाए ना तो छत गिर जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ा फासला ज़रूरी होता है तब जाके छत रुकती है, दो पिलर्स के बीच में, दो स्तंभों के बीच में, खंभों के बीच में गैप चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो बात बीच में आ गई, रुखे सुखी खाए कहे ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, क्यों अगर ऐसा ना किया तो क्या होगा, काले लेख हो जाएंगे, काले लिख ना ले, काले लिख ना लेख, 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 काले लिख ना अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लालच में फंसा हुआ मन करता क्या है, अमृत ले उठे, स्नान किया, नाम जपा, नितनेम बढ़ाया, सब कुछ किया, पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निमय पंग पुयंगम साधे, पंच जनासु संग न छुटको, अधिक अहमुद बाध्य, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारा कुछ करना किस लिए था, विनम्रता आ जाए, पर यहाँ पर आ गया अहंकार कि मैंने इतना कुछ किया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उल्टा एक और लेकर बैठ गया अहंकार, एक्स्ट्रा आ गया। महापुरुष वचन किया करते थे, इंसान से गलती होती पता है कब है,
जब उसके अंदर अहंकार आ जाए उसके बिना गलती नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार में भरा हुआ आदमी उसे पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है, एहसास होना बंद हो जाता है, जैसे सुन हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना ही अहंकारी आदमी को अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है करने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक कि उसे ठोकर ना लग जाए, जब तक कि ठोकर ना लग जाए। पाछा वाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। मन तू मत मान करे जे हो किछ जानदा, गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल को हो, सच शब्द मल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा समझा रहे वाणी में कि मन तू मत मान करे जे हो किछ जानदा। अगर गुरु ने तुझ पे तरस करके कृपा करके तुझे कोई गुण दिया है तो उसका मान मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या कर, गुरुमुख बन जा। गुरुमुख क्या करता है, निमाणा होकर रहता है। गुरुमुख निमाणा हो, झुक कर रहे। जिस पेड़ को फल लग जाए वो पेड़ झुक जाता है, ये निशानी है कि उसे फल लग गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हों बुद्ध है, सच शब्द मलखो हो। अब अंदर अज्ञान है, अहंकार है, हों अहंकार, अहंकार से भरी हुई बुद्धि है। अब इसे ठीक कैसे करें। सच शब्द मलखो हो, शब्द से इसे धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द तीर्थ का दर्जा रखता है। जो भी चीज जिस भी तरह से मन की मैल उतर जाए वो तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल खो हो। आगे क्या कहते हैं पाचा, हो निमाणा सतगुर अगे, मत किच आप लखाव है, मत किच आप लखाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुर अगे, क्यों निमाणा हो जा, मत किच आप लिखावे। बड़े ध्यान से समझना ये पंक्ति, बड़ी कीमती है। हो निमाणा सतगुरु अज्ञा, मत किच आप लिखावे। गुरु के आगे निमाणा होकर बेनती कर, अपना आप जता मत कि मैंने इतने पाठ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतने लोगों को जोड़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। नहीं, अगर तूने ये लिखा दिया, मत किच आप लिखा दिए लिखावे, अगर तूने ये लिखाया कि मैंने इतने नेक काम किए हैं, तो जो तूने गुनाह किए हैं उसकी फाइल भी खुल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तूने अपने नेक कामों की फाइल नहीं खुलवाई ना, कभी गिनाई नहीं, तो गुरु तेरे बुरे कर्मों की फाइल भी नहीं खोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुरु अज्ञा, मत किच आप लिखावे। अपनी कभी भी मत जता कि मैंने ये नेक काम किया है, कभी भी मत, ये बुद्धि में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच भी है, और ये सच भी है सत्संगत जी, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम कर रहे हैं, वो करवा रहा है तो हो रहा है। सिंपल सी बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में इसे प्रमाणित करते हैं। आप जपाए जपह सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। अगर हम ये सोचे कि हम बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं।
हमें हटाकर किसी को भी बिठा सकता है वो यहाँ पे, जिसे चाहे, वो चाहे गधे के सर पे हाथ रख के सेवा ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने छड़ी लगाई थी छज्जू जीवर के ऊपर, बचपन से गूंगा बहरा बोला दिमाग से हिला हुआ पागल इंसान सर पे छड़ी रखी, श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे अर्थ कर दिए जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहाँ से ज्ञान हासिल किया उसने, गुरु जिससे चाहे सेवा ले ले, जब तक विनम्रता है सेवा लेता रहेगा, जिस दिन अहंकार आया उठाकर साइड में कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए, डर के, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, ये हमारे बड़े भाग हैं जो हमें सेवा मिली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत किच आप लिखावे, मत लिखाना, आगे क्या कहते हैं पाचा, क्यों नहीं लिखाना। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे हैं, अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अहंकार में ही सारा जगत जल रहा है, कहीं तू भी सारी दुनिया की तरह अपना किया हुआ सब गवा मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कुछ तूने सेवा करके हासिल किया, गुरु साहब ने तुझसे सेवा ली है, अगर तू अहंकार कर बैठा सब कुछ गवा बैठेगा, सब कुछ, तो क्या करें। सतगुर के पहाण करे कार, सतगुर के पहाण लाग रहो, यो कहे नानक आप छठ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई साथ संगत। एक बहुत कमाई वाला फकीर हुआ है, सुलेमान फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान, ये घटना महापुरुष सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। सुलेमान फकीर कहते हैं, सुलेमान फकीर ने इतनी ज्यादा इबादत की कि तस्बीह फेर फेर के उसकी उंगलियों घिस गई, सिजदे कर करके माथा घिस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इबादत से अल्लाह खुश हुआ, आवाज आई, मांग क्या मांगता है सुलेमान, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, तेरी इबादत हद से ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस सुलेमान फकीर ने क्या मांगा, हमारे जैसा ही कोई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास यहाँ पर 100% समझ सकते हैं कि उसने इबादत तो की पर उसे किसी महापुरुष की संगत हासिल नहीं थी। उसकी इबादत में करके उसने मांगा क्या कि मेरा पलंग परियां मेरा पलंग उठाएं, सारी दुनिया मुझे घुमाए, मैं आसमान से दुनिया को देखूं, जो चाहूं वो करूं, सारी दुनिया मेरे आगे सजदा करे, मेरे आगे सर झुकाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव इतनी, इतना उसने इबादत की और मांग क्या रहा है, दुनियावी चीज़ें, इस परियां, सुंदर परियां मेरा पलंग उठाएं, हवा में उड़े, मैं आसमान से धरती की तरफ देखूं और जहां से गुजरूं सारी खलकत मेरे आगे सर झुकाए कि सुलेमान पीर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा ने देखा इतनी इबादत करने के बाद अहंकार से भरा हुआ है, अहंकार नहीं खत्म हुआ इसका, क्योंकि अहंकार खत्म होने के लिए ना साध संगत जी, साधु की, संत की, पूर्ण महापुरुषों की संगत बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम का साइड इफेक्ट है, जो अकेले बैठकर नाम जपते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जपते हैं, हमारे जैसा कोई जपता ही नहीं। गुरुद्वारे में तो लोग निंदा चुगली करने जाते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बैठ के नाम जपते हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है। जो घर में बैठ के अकेले नाम जपते हैं ना, उनके अंदर एक ये बात पैदा हो जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं, अंदर ही अंदर,
कि हमारे जैसा कोई नहीं। अहंकार बढ़ते जाता है और ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि एक दिन सब कुछ गवा लेते हैं। गलती हो जाती है, कैसी, जैसे सुलेमान पीर से हुई। सुलेमान पीर ने मांगा, खुदा ने कहा ठीक है सुलेमान, तुझे जो कह रहा है वो सब दे रहा हूँ, पर उसके लिए तुझे एक मुद्रा देता हूँ, एक अंगूठी, अपनी उंगली में पहन ले। जब तक ये मुद्रा तेरी उंगली में रहेगी, जो तू चाह रहा है वैसे सब होगा। ध्यान रखना, जिस दिन ये मुद्रा तेरी उंगली में से गिर गई, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सुलेमान ने कहा ठीक है। मुद्रा प्रकट हुई, उसने उंगली में पहनी, परियां आ गई, पलंग पर बिठाया, हवा में उड़ रही। अब अहंकार भक्ति कर करके अहंकार में उड़ रहा है, दुनिया जहाँ से गुजरता है। खुदा ने कहा था मुद्रा हाथ में है, सब कहते हैं सुलेमान पीर जा रहा है। सुलेमान पीर जो आकाश में उठता है, परियां उसका पलंग उठाती हैं, सब उसके आगे सर झुका देते हैं, वे इसकी इबादत कितनी होगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सुलेमान मन ही मन खुश होता है, अहंकार से भरते जा रहा है कि सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है। एक दिन सैर कर रहा है आकाश में, समा आ गया वो गलती होने का। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्या देखता है कि एक लड़की, एक जवान लड़की चने भूज रही है, जहाँ चने भूजते हैं ना कढ़ाई में, रेता डाल के, गर्म रेत में आग जलाकर चने भूज रही है। और वो अति की कुरूप है, एक तो काली है और नयन नक्श भी एकदम बिंगे टेढ़े। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अति की काली है। अब ये भरा हुआ अहंकार का आकाश से उड़ते हुए उसे देखता है और क्या कहता है, उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा। ये उंगली उठती पता है कब है साथ संगत जी, दूसरे की तरफ, दूसरे को निशा दिखाने वाली उंगली उठती तब है जब अंदर अहंकार आ जाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अपने किसी काम का, अपने किसी किए हुए नेक काम का जब अहंकार आ जाता है ना, तब दूसरे पर उंगली उठती है कि वो तो कुछ भी नहीं। एक जगह पे लंगर लगा हुआ था, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि उपदेश चला जाए, बस मैं किसी का मन को दुखाना नहीं चाहता, पर एक ज्ञान की बात है। लंगर लगाया था, किसी ने बहुत सारे पदार्थ रखे थे, मुझे ले गए वहाँ पर, क्या हो आप अरदास कर दो, लंगर चालू करने हमने। और वो आदमी पास में दूसरा स्टॉल भी लगा था, उन्होंने भी लंगर लगा के रखा था, वो भी मुझे बुला रहा था कि मेरे पास चलो। अब वो जो एक आदमी उनमें से बड़ा ज्ञानी है, जिसे बड़ा ज्ञान है, बड़ा समझदार है, और दूसरा साफ पता चल रहा था कि अज्ञानी है, क्योंकि बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने ट्रेलर भर भर के सामान मंगाया है, 3 दिन तक लंगर चलेगा, इतने लाखों का खर्चा हो गया, ये किया मैंने वो किया, मैं ही कर रहा था पूरा टाइम। अब किसी को सामने से क्या बोले आदमी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाई तू लंगर लगा के सब गवा रहा है, कर तो नेक काम रहा है, पर मैं करके सब गवा रहा है, ये नहीं कहा कि गुरु की कृपा है। पर वो जो ज्ञानी आदमी वो साथ में वो भी सुन रहा है, बाद में उसके स्टॉल पे दास ने जाना है, तो वहाँ पे अरदास की, उसके बाद उसके स्टॉल पे गए, तो वो पता क्या कहता ज्ञानी, यहाँ पर मेरा मन दुखा थोड़ा सा, हैरान हुआ। वो ज्ञानी है, उसे समझ है, पर अहंकार ने नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। एक होता है अहंकार दिखता है, एक होता है सूक्ष्म अहंकार अंदर होता है। कहने लगा एक ट्रेलर मंगा के इतने से पैसे खर्च करके इतनी होशियारी मार रहे हैं, मैं इतने सालों से इससे 10 गुना ज़्यादा लंगर करता हूँ, पर आज तक मैंने कभी होशियारी नहीं मारी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने मन में सोचा तूने तो होशियारी मार दी, उसके बारे में भी बुरा बोल दिया, अपनी नेकी भी बता दी। ये सूक्ष्म अहंकार होता है, अहंकार के इतने स्वरूप है ना साध संगत जी। महापुरुष वचन करते थे कि जितने रोम है शरीर में, अहंकार के दाखिल होने में उतनी ही जगह है उसके पास। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पता ही नहीं चलता कब अंदर आ जाता है, डर कर रहना चाहिए, डर कर। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि जब भी गुरु के आगे जाओ, हमेशा एक ही बात को, बख्श दे, क्योंकि हमें पता ही नहीं। जिन पापों के बारे में हमें ज्ञान है, वो तो हमें ज्ञान है, इतने पाप ऐसे हो जाते जिनका हमें पता भी नहीं चलता, वो होते अहंकार में। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कि बस बख्श दे। दिख रही हो ना कि कृपा हो रही है, पर तक फिर भी यही कहे सिख कि पाछा बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुलेमान पीर ने जैसे ही उंगली की, इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा, हाथ से मुंद्रा गिर गई तालाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे ही मुंद्रा गिरी, पलंग गायब, परियां गायब, ये धरती पर आ गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रेगिस्तान का इलाका है, धरती पर आ गिरा, गर्मी है, पानी पिया और जहाँ पर वो दूर दूर तक कोई नहीं, और जहाँ पर वो लड़की चने भुज रही है दूर दूर तक वही दिखाई दे रही है बहुत दूर, चल चल के भूखा है, प्यासा है, सब कुछ चला गया उसका, वहीं पहुंचा जहाँ वो लड़की चने भुज रही है। उसे कहता है कि जो बाहर गिर रहे हैं दाने, भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं बहुत समय से, ये चने जो बाहर गिर रहे हैं वो मैं खा लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहती है ठीक है खा ले, पर साथ में मदद कर, आग जला, ये कर। तो वो सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ करता था, परियां पलंग उठाती थी, जो चाहिए खाता था, दुनिया सजदे करती थी, आज गिरे हुए दाने, गिरे हुए चने जो बाहर धरती पर गिर रहे वो उठा के पेट भर रहा है। क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल अहंकार नहीं, यहाँ पर दूसरे पर उंगली करना, दूसरे के दोष को देखना, वो भी इतनी बुरी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं ना साथ संगत जी, दूसरे के दोषों को गिनते हैं, गुरु नानक पाशा के वजन जन साखी में लिखे हुए हैं, जो दोष तू दूसरे के गिने का वो तेरे भीतर आते जाएंगे। किसी ने सवाल किया था ना कि मेरी शराब नहीं छूट रही गुरु नानक पाशा से, मैं शराब कैसे छोड़ूं? गुरु नानक पाशा ने कहा दूसरों के ऐप देखना छोड़ दे, तेरी शराब छूट जाएगी। वो कहने लगा ऐसे कैसे? कहने लगा तू करके तो देख। उसने दूसरों के ऐप देखने छोड़ दिए साथ संगत जी, कोई भी ऐप ना देखे, कुछ ना बोले, सोचना बंद कर दिया, उसकी शराब छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में पॉइंट बता रहे बीच में, कि जब तक हम दूसरे के गुनाह देखेंगे, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, हमारी सारी की कराई खोई में गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं में डाल देते हम सब कमाई करके। इसीलिए कहा आपने गिरवान में सिर नवा कर देख। अब वहां पर सुलेमान पीर काम करने लग गया, कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। कई सालों तक वहाँ काम करता रहा, तो आखिर में उसके पिता ने देखा कि ये इधर काम करता है, इससे पूछा मेरी बेटी से शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा करूँगा, अब क्या करेगा? पिता कहने लगा मेरी बेटी को कोई रिश्ता तो मिलेगा नहीं, और तू यहाँ काम करता है, तू ही शादी कर ले। जिसकी तरफ उंगली करके इशारे कहते इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा, अब सुलेमान पीर के उसी से निकाह हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहानी बहुत लंबी है कि मुंद्रा वापस कैसे मिली, क्या हुआ, पर हमें यहाँ तक ज्ञान लेना है। यहाँ पर दूसरे का दोष देखा, ये बाबा आनंद सिंह जी के वचन है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे को जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए घिन करती हैं, हमारी परिस्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है उसी परिस्थिति में खुद आकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा होना ही है, ये सृष्टि का नियम है, ये किसी का श्राप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी कहते हैं दूसरे के गुनाह मत देख। अगर तू दूसरे के गुनाह देखता रहेगा, हम यही तो करते हैं साथ संगत जी। हमारा टॉपिक क्या है, बात चल रही है, सोचना हो भाई, टॉपिक बीच में आ गया अब्दुल गफार खान पठान का। अब उसके चार दिनों में मन सी महल उतर गई, 11 दिन में तो उसमें पूरा जीवन ही पलटी खा गया, हमारे कई साल हो गए हैं, और हम वहीं के वहीं वजह दूसरों के अवगुण देखना नहीं छोड़ते, और कम से कम देख ही लिए हैं। तो इसकी एक स्टेजेस होती है, एक होता है देखना, देखने के बाद चुप रहना, देख लेना, उस पर ध्यान जाना ये गलत है, पर एक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब रुक जाओ, पर नहीं रुकते, अब दूसरे को बताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसे नीचा दिखाना है, ये सबसे बड़ी भूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं बचेगा, चाहे सारा जीवन लगे रहो, एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ गंवा रहे हैं, कमा रहे हैं, रात भर कमाते हैं, दिन भर गंवाते हैं, फिर कहते हैं कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसीलिए कहा अपने गिरवान में सिर निभा कर देख, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, तू अपने भीतर क्यों नहीं झांकता? बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना कि रात को सोते वक्त अपने गुनाह लिख,
कि तूने आज क्या क्या गलत किया, क्या गलत सोचा है। एक दिन एक एक करके गुनाह शर्म आएगी, कम होते जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कहा था ना चौधरी से, कहते हैं मैं झूठ नहीं छोड़ पाता। कहने लगे रोज लिखा कर रात को कितने झूठ तू बोलता है। कहने लगे इससे क्या हुआ। कहने लगे करके तो देख, लिखना शुरू किया डायरी में, रात को सुबह पढ़ता तो शर्म आती अगले दिन के इतने झूठ बोले। एक एक झूठ कम करता गया, लिखता गया, कम होते गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार तो लिख ही रहा है, लिखे जा रहे हैं, एक खुद भी लिख लें तो शर्म आ जाए कि इतने झूठ इतने गलत काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए फरीद जी कहते हैं क्या, जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले सतगुर के पाने लाग रहो यो कहे नानक आप छड़ सुख पावे, आप छड़ सुख पावे मन नी माणा होए रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुर के पाने करे कार, सतगुर के पाने लाग रहो, गुरु के भाणे में आकर काम कर, गुरु के भाणे से लगा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाणा जो गुरु करे सत वचन जी, तुझे गुण कम दिया है सत वचन जी, कल ज्यादा दे दे सत वचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे को देखकर ईर्ष्या मत कर, सत वचन जी शुक्राना। सतगुरु के पाणे करे कार, भाणा मानना सबसे मुश्किल काम है सृष्टि में, पर जो मान लेता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ भाणा आ गया ना वहाँ दुख खत्म। उस कमरे में दुख को जगह नहीं है उस हृदय में, फिर अब जहाँ भाणा मानना आ गया ये लास्ट स्टेज है। सतगुरु के भाणे करे कार, सतगुरु के भाणे लाग रहो, गुरु जो करे जितना दे शुकराना, क्योंकि उसे पता है हमें कितना क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम उसे कहते हैं ना और दे या ये दे या वो दे, तो जरा विचार करके देखो, हम उसे उसकी मिस्टेक बता रहे कि तुझे नहीं पता कितना देना चाहिए था और क्या देना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि बच्चा सीए एग्जाम में बैठा है पास हो जाए या इसका वीज़ा लग जाए, पर अरदास करो। मैंने कहा कभी अरदास मत करना कि वीज़ा लग जाए या सीए में पास हो जाए। हमें नहीं पता सीए में पास होने में फ़ायदा है या सीए में फेल होने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता वीज़ा लगने में फ़ायदा है कि वीज़ा ना लगने में, हमें नहीं पता, उसे पता है। अगर डोरी उस पर छोड़ दो तो जो होगा सही होगा। सचिन तेंदुलकर के पिता उसे कुछ और बनाना चाहते थे, आठवीं में फेल हो गए सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई उदाहरण हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यूं कहे नानक आप छड़ सुख पावे, सुख चाहिए अपना आप छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही जो भाने की बात है, अपना आप गुरु के आगे रख दे। कुछ नहीं पाछा मैं, जो तुझे चाहिए वो कर, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, राख प्रभु भावे मार। महापुरुष वचन किया करते थे ना, ये परना है, इसे परना कहते हैं। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी नीचे बिठा के उसके ऊपर बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी जमीन पे बिछा के उसके ऊपर बैठ जाए। पढ़ने का काम नहीं है कुछ कहना कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे सेवादार हो तो परना बन के रहे, सेवादार परना बन के रहे। गुरु चाहे नीचे रखे, गुरु चाहे ऊपर रखे, वो शुक्राने में रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु हमेशा अपने साथ रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यूं कहे नानक आप छड़ सुख पावे, कैसे माने निमाना होए रहो। तो इसीलिए कहा है
जे तू अकल लतीफ काले लिख ना ले रंक न हसिए को अजय तना समुद्र में क्या जानो क्या हो ऐसे बोलिए धन कबीर गर्व ना कीजिए रंक न हसिए कोई। जो सुलेमान पीर ने गलती की उसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं कि गर्व मत कर अहंकार मत कर और किसी को देख के हंस मत, किसी की परिस्थिति को देखकर हंस मत कि वो किस परिस्थिति में फंसा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी में दिमाग कम है उसे देखकर हंस मत, पता नहीं कब तेरा दिमाग कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी में गुण कम है उसे देखकर तर्क मत कर, पता नहीं गुरु तेरे से गुण कब छीन ले तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक मिनट लगता है साथ संगत जी, हम कहते हैं कि इस आदमी का दिमाग कितना तेज है, कितना तेज है, और हम कहते हैं ये आदमी कितना मूर्ख है। वाणी कहती है नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्ता है सब कुछ तेरा भाणा। गुरु ने उसे सियाना बनाया तो वो सियाना है, गुरु ने इसे मूर्ख बनाया तो मूर्ख है। पता नहीं कब नदर हो जाए, मूर्ख सियाना बन जाए, पर वो सियाना मूर्ख अपनी मूर्खता की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर गर्व ना कीजिए, जब तेरे पास सब कुछ हो उस वक्त अहंकार मत कर, विनम्रता में रहे, दूसरे के अवगुणों को मत देख के हंस। अजोता नाव समुद्र में क्या जानो क्या होए, अब तो अभी तक तेरी नाव समुद्र में है, पता नहीं पार लगे या ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले आपने गिरिवान में है।
धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक सेठ सफर कर रहा है ट्रेन में, जौहरी है, एक जौहरी सेठ ट्रेन में सफर कर रहा है। सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठा है। आपस में बातें कर रहे हैं, अनजान है वो भी, जौहरी उससे अनजान है, वो जौहरी से। तो उसने बताया, मैं ये काम करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक गलती उसने कर दी, एक कीमती हीरा निकाल कर उसे दिखा दिया कि मैं इसे बड़ी संभाल कर लेके जा रहा हूँ अपनी दुकान पर, यहाँ से खरीदा है मैंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। और पर जौहरी को थोड़ी देर में समझने में देर ना लगी कि ये चोर है सामने वाला। उसकी आंखें देखकर, उसकी बातचीत से, हाव भाव से वो समझ गया कि ये हीरा चुरा लेगा। अब बिहार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। चोर को पता चल गया इसके पास हीरा है, जौहरी को पता चल गया कि वो चोर है। अब दोनों बैठे, अब चोर इंतजार कर रहा है, जौहरी सोएगा, मैं हीरा चोरी करके भाग जाऊंगा। अब जौहरी भी टेंशन में सो नहीं रहा कि मैं सो गया तो हीरा लेकर भाग जाएगा है चोर। आखिर में जौहरी ने कपड़े बदले और कहने लगा, उसने अपना जो जैकेट वगैरह कोट वगैरह पहना था वो भी टांगा ट्रेन में और सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। चोर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, जौहरी ने अपने कपड़े टांगे और सो गया। अब रात भर चोर ढूंढता रहा वो हीरा कहाँ है। घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कभी कोट के जेब फाड़ते, कभी सारा सामान, सब कुछ उसने देख लिया। थक गया पूरी रात ढूंढ ढूंढ कर, हीरा ना मिला। घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। दोपहर को बैठे हैं, दो तीन दिन का सफर है। वो चोर वो कहता है, एक बार हीरे के दर्शन फिर से तो करा दो। वो जानना चाहता था हीरा है कहाँ, हीरे के दर्शन फिर से करा दो। सेठ ने हीरा फिर से निकाला जेब से, उसे दिखाया, कोट की जेब से निकाला और दिखाया, ये लो हीरा देख लो। वो हैरान है कि इसी कोट की रात को जेब में तो मैं चेक करता रहा हूँ, सारा सामान भी देख लिया, कहने लगा आज रात को चोरी कर लूँगा। अब रात हुई, सेठ फिर सो गया, चोर पूरी रात फिर लगा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हीरा ढूंढ रहा है, सारा सामान, उसका एक एक कपड़ा सब कुछ देख लिया उसने। नींद में उसके जो कपड़े पहने थे वो भी चेक कर लिए, हीरा ना मिला। थककर चोर सो गया, सेठ उठा, फिर बैठा है, चोर उठा, कहता है एक बार हीरा फिर से दिखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने अपनी जेब से फिर से हीरा दिखा दिया। चोर कहता है, देखो अब तो आपका स्टेशन आएगा, आप उतर के चले जाओगे, मुझे सच सच बताओ, मैं चोर हूँ एक। सेठ कहता है, मैं जानता हूँ तू चोर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कहने को, फिर सच बताओ ना, हीरा छिपाते कहाँ थे। मैं इतना पुराना चोर हूँ, आज तक मैं चोरी, जिसकी चोरी करनी चाहिए मैंने कर ली, पर हीरा रात दिन में दिखाते हो, रात में मिलता नहीं, कहाँ रख देते हो। तो सेठ ने मुस्कुरा के कहा, जब तू बाहर जाता है ना थोड़ी देर के लिए, उस वक्त हीरा मैं तेरी जेब में डाल देता हूँ, जो शर्ट तूने टांग के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तेरी कोट की जेब में डाल देता हूँ, तू रात भर मेरे कपड़े ढूंढता रहता है, अपने कपड़े नहीं ढूंढता। रात भर तू मेरे कोट की जेब ढूंढता रहता है, पर तूने कभी अपनी जेब में नहीं झांका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरा तेरी जेब में डाल के मैं आराम से सो जाता हूँ, जब तू सो जाता है तो मैं निकाल के अपनी जेब में डाल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष उदाहरण दिया करते थे कि यही हाल है, हम दूसरों की जेबें झांकते हैं अपनी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने रे गिरवान में सिर नीवा कर देख, जो कुछ जितने अवगुण तो दूसरों में देखता उससे कई गुना तुझ में होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। और अगर तू झांकेगा रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, अगर तू अपने गिरवान में झांकेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, दूसरी की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। आपने रे गिरिवान में सिर नीवा कर दे।
आपनड़े गिरिवान में सिर नीवा कर दे। प्रकरण जो दास ने लिया है कम से कम आधा बाकी है, समय हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पर दास कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं कि भाई साहब से कहो कि 5:30 तक भोग डाल दिया करें या 6:45 तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से मेरी एक बेनती सुनना, समझना। लोगों के मैसेज और फ़ोन आते कि भाई साहब से कहो कि 5:30-6 बजे तक भोग डाल दिया करें। संगत थोड़ी, किसी को जाना होता है, किसी को काम होता है, किसी को बच्चों के लिए कुछ भी एनीथिंग, तो वो बीच में से उठते हैं, जाना पड़ता है उन्हें। मैं मानता हूँ ये बात। थोड़ा सा अभी इतनी देर हो गई जुड़े हुए, एक ज्ञान हासिल करो। आपको जाना है, उसकी वजह से लाखों लोगों का नुकसान क्यों करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन जो छूट जाएगा वो आप बाद में भी सुन सकते हो। अगर आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, इतनी जगह पर हम टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी जगह पर, चाहे 1 घंटा ज़्यादा लग जाए, 2 घंटा ज़्यादा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गुरबाणी ने, जिस कीर्तन ने जीवन पलटना है, अगर आधा घंटा ज़्यादा लग जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हम सेल्फिश नहीं है? क्योंकि हमें 5:30 बजे उठना है, 5:45 उठने, इसलिए बहुत सारे 5:45 डाल दो, बाकी दूसरे लोगों का चाहे ना सुनने को मिले, जो ज़्यादा देर सुनना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो सेल्फिशनेस हो गई। उल्टा कहो, भाई साहब जितनी देर करना है करो, हम बाद में सुन लेंगे अगर अभी नहीं सुन पाए तो। सोच ये होनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अगर मन जुड़ गया है, चल रहा है, तो चलते जाने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज 15 मिनट और सही, कुछ पॉइंट्स बाकी है, मन करता है ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वरना मुझे लगता है चालिया किधर सोचा सोचना हो गई महीना खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि इसके इतने पहलू हैं, कैसे छोड़ दूं कोई? कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है हर पहलू, हर पॉइंट, हर चीज़, पता नहीं ना कौन सा पॉइंट किसको जाके मन में लग जाए, उसका जीवन बदल जाए। और सच बात तो ये है, सत्संग जी सच कह रहे हैं दास। दास बोलते बोलते खुद सोच रहा होता है कि ये पॉइंट पर मुझे भी चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मैं सोचकर बहुत कुछ आता हूँ, पर यहाँ पर बोलता हूँ 30% भी वो नहीं बोल पे आता हूँ, बोल पाता हूँ जो सोच कर आता हूँ। 70% वो बोलता हूँ जो गुरु बुलवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो मैंने सोचा भी नहीं होता। और बोलते बोलते सोच रहा होता हूँ कि इस पॉइंट पर तो मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है अपने ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा लगता है गुरु साहब जी मुझे ही समझा रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जे तू अकल लतीफ काले लिख नाले, काले लिख नाले, काले लिख नाले, काले लिख नाले,
बाजार में से भगत फरीद जी बाजार में से गुजर रहे। वेसवा का कोठा है, वहां पर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही, कोई पीट रहा है किसी को, और जो पीट रहा है वो जोर जोर से करा के माफिया मांग रहा है, विनतियां कर रहा है, पर उसकी पुकार सुनी नहीं जा रही, पीटने वाले को तरस नहीं आ रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में भगत फरीद जी उस कोठे के आगे, उस वेसवा के कोठे के आगे रुक गए, सीढ़ियों की तरफ जाने लगे तो सीढ़ियों से कोई नीचे गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकरानी, वेसवा की नौकरानी नीचे सीढ़ियों से गिरती हुई आ रही, लहूलुहान, पूरा शरीर में चोटों के निशान, इतना पीटा गया उसे। फरीद जी ने उसे पकड़कर उठाया और ऊपर आवाज दी, भाई क्यों पीट रहे हो इसे, इतनी निर्दयता से क्या पाप किया है इसने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि इतना पीटा। तो जो वेसवा थे वो बालकनी में आ गई, चौबारे में आ गई, और ऊपर से कहती है, इसने मेरी आंख में दर्द कर दिया। जो सूरमा पीसते हैं ना आंख में डालने के लिए, सूरमा पीसा जाता है, उस जमाने में सूरमा पीसते थे, काजल जिसे कहते हैं, वो मोटा पीस दिया है, मैंने आंख में डाले, मेरी आंख में लड़क हो गई, आंख में थोड़ा दर्द हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए पीट रही। फरीद जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, कमाल है, तेरी आंख में थोड़े से दर्द की वजह से तूने इसका पूरा शरीर दर्दों से भर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कैसे लेख लिख दिए तूने, क्या कर दिया तूने, तुझे पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फरीद जी तो वहां से चले गए, कुछ समय बाद लौटे, वही वेसवा का कोठा आया, अब वहां पे शांति है, तो वहां पे पूछते हैं कि वो कहाँ है। यहाँ पर जो वेसवा रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत मान था, जिसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, जिसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि लोग इसके पास बड़े बड़े राजे महाराजा आते थे, जिसने एक दिन काजल मोटे होने की वजह से अपनी नौकरानी को पीटा, वो वेसवा कहाँ है। तो कहने लगी, उसकी तो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो फलाना कब्रिस्तान है, वहाँ पर उसकी उसे दफनाया गया है, अब तो वहाँ पर है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ चल पड़े। ये घटना को फरीद जी ने अंकित किया है अपनी वाणी में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ चले गए, क्या देखते हैं, कब्रिस्तान में कुछ कुत्तों ने उस कब्र को खोद दिया है जहाँ पर उसे दफनाया गया है, और उसकी लाश को यहाँ वहाँ घसीट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका धड़ जो है शरीर से अलग हो चुका है, गला गर्दन अलग हो चुकी है, उसे कौवे उठाकर ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसके उन आंखों के अंदर कौवों ने अंडे दिए हैं अपने बच्चों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव आलना बना लिया है उस खोपड़ी में। तब कबीर भगत फरीद जी इस घटना को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने पंक्तियां उच्चारण की, फरीदा जिन लोयन जग मोहिया, से लोयन मैं डिठ, काजल रेख न से दिया, से पंखी सोए बहठ। से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, जिन लोयन जग मोहया, जिन आंखों ने सारी दुनिया को मोह लिया, वो आंखें मैंने भी देखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उस वेसवा की आंखें, काजल देखना सह दिया, वो आंखें जो काजल की मोटाई, बारीकी के बदले मोटाई, मोटा काजल पिसा गया, उसकी रड़क ना सह सकी वो आंख, आज उन आंखों में पक्षी अपना घोंसला बनाए बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव किस बात का मान, किस बात का गर्व, किस बात के अहंकार में हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, जो करेंगे
हजार गुना होकर लाख गुना होकर भरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाए ना सात संगत जी, ये ज्ञान हो जाए, वो हर काम करने से पहले 2-3 बार 10 बार सोचता है। किसी को थप्पड़ मारते वक्त भी एक बार सोच लेना चाहिए, हाथ उठाते वक्त। एक के बदले पता नहीं कितने मिलेंगे। बीज है, बीज का पेड़ होता है, पेड़ में एक फल नहीं होता, लाखों फल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली देते वक्त, किसी का हृदय दुखाते वक्त, बुरा बोलते वक्त, हर चीज वापस मिलती है। ये कुदरत का कानून है, बहुत बढ़कर मिलेगी। अगर नेक काम किया, नेकियां भी उतनी ही बढ़कर मिलती हैं, और बुरे काम का भी वही फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ज्ञान हासिल हो जाए, गुरु मेहर करे, आज का प्रकरण दिमाग में हृदय में बस जाए, ये ज्ञान हो जाए हमें, आज के बाद दूसरों की गलती, दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए, डर जाए मन कि नहीं भाई देखेगा तुझ में आ जाएंगे, दूसरे के अवगुण देख के किसी को बताने से पहले डर जाए मन, बताऊंगे हो सकता है कल ये मुझ में आ जाए, बताऊंगा हो सकता है कल मुझ में आ जाए, नहीं डर जाए मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले गुरु, जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले गुरु, जे तू अकल लतीफ काले लिखना से बड़े अवगुण हैं जिनकी वजह से हमारी की हुई कमाई थाई पर नहीं पड़ती। एक ये दूसरों की बुराई देखना, और इस बुराई देखने के पीछे एक दूसरा पहलू है निंदा। निंदा के ऊपर इतनी बार टॉपिक लेकर कथा की जा चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि अब उसकी और ज़रूरत है। फिर भी गुरु मेहर करें, शॉर्ट में दास कल बताने की कोशिश करेगा निंदा, और फिर क्योंकि आगे बढ़ना है। दो पॉइंट जिसकी वजह से हमारी कमाई एकदम ख़त्म हो जाती है। दूसरे की बुराई देखते हैं तो निंदा करते हैं, निंदा बुराई। दूसरा पराया हक, जब हम किसी का हक मारते हैं। ये दो बातें, दो बातें। हक मारना केवल धन का नहीं होता, अब ये बहुत बड़ा पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का समय ले लेना उसके बदले, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। वंड छकना, गुरु नानक पातशाह का जो तीसरा सिद्धांत है ना, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। वंड छको केवल भोजन की बात नहीं थी, हर चीज बांट कर खाने की बात कही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चीज बांटने की, अब ये बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा एक अलग प्रकरण है। यहाँ पर दास कह के ये समाप्ति करें, हमें इन दो चीज़ों से बचना ही बचना है। एक, दूसरे की बुराई नहीं देखनी, देखेंगे हम में अवगुण आ जाएंगे, फिर निंदा हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो किया करें। दूसरा पराया हक, अगर हम दूसरे का हक मार के रखते हैं किसी भी प्रकार, अगर गरीब का एक पैसा भी अपने पास रख लेते हैं, उसे नहीं देते, तो हमारे किए हुए जप तप को आग लग जाती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, आग लग जाती है। मानो बाबा नंद सिंह जी के वचन है, शॉर्ट में दास बताए कि कोई धर्म की कीर्त करता है, अपनी दशा नौ की कीर्त करके हक की खाता है, और एक बार श्री सुखमनी साहब जी का करता है, और एक आदमी दूसरे का हक मार के खाता है, चलाकियाँ करता है, हेरा फेरिया करता है, और घर में धन लेके आता है, वो 13 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करे, एक बराबर है, 12 पाठ कैंसिल हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर हम ये कहें कि पूरी रात जागते हैं हम और हमारी बात नहीं बन रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे समझना पड़ेगा, अगर ये परहेज नहीं है निंदा का, अगर परहेज नहीं है दूसरों को हक मार के खाने का, तो फिर कुछ बात नहीं बनने वाली। दवाई तो ज़रूरी है ही है, दवाई के साथ परहेज दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तो थोड़ा जपा हुआ नाम भी प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर हमने छेक बंद कर दिए
बह नहीं रहा अमृत कहीं से, तो चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना पड़ रहा हो, एक दिन तो घड़ा भरेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, और चाहे बाल्टी भर भर के घड़े में डालते जाओ, नीचे तला ही नहीं है, बड़े बड़े छेद हैं, चाहे कितना भी बाल्टी डालो, कितना भी नाम जपो, वो तो खाली हो जाएगा। परहेज दवाई से ज्यादा जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे मुझ पर भी और सारी संगत, अरदास करो मेरे लिए, दास अरदास करे सारी संगत के लिए कि हे गुरु नानक मेहर कर, ये ज्ञान बख्श दे कि आज के बाद ना किसी की निंदा हो, ना किसी की बुराई देखे, ना किसी का हक रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तरस कर हे वाहेगुरु, तरस कर। जे तू अकल लतीफ कामे लिख नाले अकल लतीफ काले लिख नाले लिख नाले।